नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे एट शॉपी रिटेल के बारे में। इस कंपनी की बात करें दोस्तों तो इससे रिलेटेड क्या होता है दोस्तों, जब कभी कंपनी के रिजल्ट आते थे तो बहुत सारे ऐसे हम वीडियो देखते थे दोस्तों कि जो कहते थे कि इस तारीख को जो है कंपनी के रिजल्ट है होगा धमाका, ये होगा। दोस्तों अभी जो है कि इस कंपनी से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि दोस्तों बता रहे थे 70% के ऊपर ये कंपनी अभी तक डाउन हो गई है। और जो रिटेलर ने दोस्तों जहाँ पर भी अभी तक निवेश किया है सभी जो है कि इस स्टॉक में आज की डेट में देखा है तो लॉस ही देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों हो सकता है कि जिन्होंने मतलब किसी ने हो सकता है कि अभी नई बाइंग किया हो 25-30 के आसपास आप कर सकते हैं, तो उनको हो सकता है कुछ प्रॉफिट देखने को मिला हो। लेकिन हाँ, इस कंपनी की बात कर सो तो जितने भी हमने वीडियो बनाए हैं हर वीडियो में आपको अलर्ट रहने के लिए ही बोला है, क्योंकि दोस्तों ये कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट है। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो उस पर बहुत सारी ऐसी कंपनी दोस्तों की एक तरफा तेजी दिखाने के बाद जो है कि मतलब बहुत लंबा समय तक आपको परेशान भी कर सकती है। हालांकि कंपनी खराब नहीं, कंपनी का बिजनेस खराब नहीं दोस्तों, लेकिन हाँ जिस साइज की कंपनी है दोस्तों उस पॉइंट से देखा है तो मतलब इन कंपनियों के लिए मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि अलर्ट भी रहना जरूरी है। हम आ गए एट शॉपी रिटेल के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी की बात कर सो तो कंपनी ने देखिए ये कंपनी जो है कि एक फ्लैट ही कारोबार करती है, ऐसा नहीं कि अभी ये रॉकेट बन रही है। रॉकेट बनने की बात कर सो तो ये कंपनी पहले रॉकेट बन चुकी है, जो कि आप देख सकते हैं कि 400% का रिटर्न बना के दे रही है कंपनी इतनी गिरावट होने के बाद। गिरावट की भी मैं अगर बात करूं दोस्तों तो इस कंपनी में जो गिरावट हुई है लगभग आपसे बताना चाहते हैं कि 70% के ऊपर आप कह सकते हैं कंपनी गिर चुकी है। हाँ, ऐसे में क्या हुआ है दोस्तों, मतलब कि बहुत सारे ट्रेडर ने इस कंपनी को टॉप पे भी बाइंग किया है, कंपनी राइट इश्यू लेके आई तो उसमें भी पार्टिसिपेट किया। मतलब दोस्तों जिस समय मैं वीडियो बनाता था बहुत सारे लोग निगेटिव कमेंट करते थे कि कंपनी तो इतना जाएगी, ये कंपनी तो ऐसे है बहुत अच्छी है। अभी दोस्तों कोई भी ना इस कंपनी से रिलेटेड वीडियो बनाता है और ना कोई भी देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा इस कंपनी से रिलेटेड डिस्कस करता है। हालांकि दोस्तों ये कंपनी की मैं बात करूं तो यहां पे आप देख भी सकते हैं कि मात्र 100 करोड़ की कंपनी एक ही माइक्रो कैप टाइप की कंपनी है। मतलब क्या है दोस्तों कि ये कंपनियां जितनी भागनी थी 5 साल में भाग चुके हैं, और अभी अगर ये कंपनियां तेजी दिखाती दोस्तों तो इनको क्या होगा, मतलब कि सेबी की बात करें तो उन्होंने जो नया कानून बनाया मात्र 2% का लिमिट डाल देगा। मतलब क्या है ना, अभी बहुत तेजी दिखा सकते हैं ना बहुत ज़्यादा गिरावट दिखा सकते हैं। 3 पॉइंट से हो सकता है मतलब इन कंपनियों के लिए, अब जैसा हमने बताया ना कि अलर्ट होने भी वाली बात है तो ऐसा आप इसको भी ले सकते हैं। हालांकि दोस्तों कंपनी के अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी का देखिए परफॉर्मेंस खराब नहीं है, कंपनी के ब्रांड खराब नहीं, लेकिन हाँ जस्ट अभी भी कंपनी मार्केट में आई हुई है, बहुत छोटी है दोस्तों। तो ऐसे में कंपनी जिस हिसाब से मतलब काम कर रही है तो मतलब देखा है तो इसके बड़े होने के अभी चांस बहुत ही कम है, क्योंकि दोस्तों कंपनी ने लगभग देखा है तो 10 साल दे भी दिया है और 10 साल के बाद भी देखा है तो कंपनी का जो मार्केट कैप है मतलब 100 करोड़ की ये कंपनी है दोस्तों, बहुत ही छोटी कंपनी आप कह सकते हैं। और हाई लो देखा जाए दोस्तों तो वही सब आपको देखने को मिल जाएगा। हाँ, PROC ROE सब देखा जाए दोस्तों तो आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से मतलब पेनी स्टॉक में भी इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम कंपनी के फेस वैल्यू की बात करें तो कंपनी का फेस वैल्यू 10 का देखने को मिलता है। ऐसा भी नहीं दोस्तों, कंपनी ने देखा जाए तो बीच में मतलब कई बार जो है कि राइट इशू बोनस से रिलेटेड मतलब कुछ कॉर्पोरेट एक्शन से भी रिलेटेड कंपनी ने काम किया है। वहीं पर देखा जाए तो जो कंपनी का सेल्स ग्रोथ है बहुत हाई आपको देखने को मिलेगा लॉन्ग टाइम में, क्योंकि दोस्तों बताते हैं कि इसी में आपको कोविड भी देखने को मिल जाएगा। प्रॉफिट ग्रोथ भी दोस्तों इस मतलब सेम ही आप ले सकते हैं। हालांकि CGR की बात करें तो ये कोविड वाला ही पीरियड है आप कह सकते हैं। और रिटर्न इक्विटी की बात करें तो रिटर्न इक्विटी आपको थोड़ा सा मतलब हाई होते हुए दिख रहा है। हालांकि दोस्तों ये बहुत ही छोटी कंपनी है तो इसके ऊपर जितना ज़्यादा से ज़्यादा मतलब डेट देखा जाए तो है नहीं, फिर भी रिजर्व की बात करें 80 करोड़ के आसपास रिजर्व्स है। हालांकि दोस्तों इस कंपनी को डेट देगा भी कौन, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मतलब देखिए डेट को ही देख करके वो बाइंग कर लेते हैं। मतलब कितनी छोटी कंपनी दोस्तों कि इनके पास देखा है तो मतलब डेट लेने के लिए भी मतलब बहुत ज़्यादा जो है कि स्ट्रगल भी करना पड़ेगा। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे दोस्तों तो आपको जो है कि मतलब पब्लिक और प्रमोटर दो ही देखने को मिलते हैं, मतलब ना ही FIs है दोस्तों ना ही DIs है। तो इन पॉइंट से मतलब देखा जाए तो इसमें बहुत ही ज़्यादा रिस्की मतलब थोड़ा रिस्क नहीं दोस्तों बहुत ही ज़्यादा रिस्क देखने को। स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं कि जो रिटेलर ने टॉप पे बाइंग किया है, टॉप की भी अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी लगभग 180 जो भी है मतलब दोस्तों जिन्होंने अभी तक जहाँ पे भी बाइंग किया दोस्तों वो तो ऑलरेडी फंसे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 5 दिन के चार्ट, 1 महीने के भी चार्ट को देखेंगे तो कंपनी लाल निशान में, 6 महीने में देखेंगे 25%, वाई टू डेट में देखेंगे तो 40% के आसपास, 1 साल की भी अगर मैं बात करूँ तो 54 से 55%। हालांकि दोस्तों इस कंपनी की खासियत और है, किस कंपनी में तेजी आने के बाद जो गिरावट होती है उससे ज़्यादा होती है। आप देख भी सकते हैं कि इसके जो चार्ट आपको देखने को मिलेंगे ना गिरावट उससे ज़्यादा ही देखने को मिल रहे हैं। हालांकि दोस्तों इस कंपनी के कोई भी मतलब क्या है कि ऊपर जाने के या नीचे आने के कोई भी मतलब क्या है दोस्तों कुछ भी मैं रेंज नहीं दे सकता, क्योंकि बहुत छोटी कंपनी है, जाने के लिए कहीं भी जा सकती है तो गिरने के लिए भी कहां तक भी गिर सकती है दोस्तों, इसका कोई भी लिमिटेड नहीं है। जो रिटेलर इस कंपनी को बाइंग करना चाहते हैं मेरे पॉइंट से आप चाहे तो अवॉइड कर दें। हालांकि दोस्तों कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं, रिजल्ट देखने के बाद आप चाहे तो डिसीजन ले सकते हैं। हालांकि इस कंपनी को हम बाइंग या सेलिंग की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देंगे। सेकेंड दोस्तों मतलब छोटी कंपनी दोस्तों जो रिटेलर मतलब इंटरेस्टेड है कंपनी में,
जिनको लगता है कि फ्यूचर में ये स्टॉक मल्टीबैगर बनेगा, हो सकता है कि कुछ नए हो दोस्तों तो वो बाइंग करने की बात कर रहे हैं, हो सकता है जो पुराने दोस्तों सेलिंग करने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों बताना चाहते हैं कि कंपनी के रिजल्ट देखने के बाद फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। हाँ, बहुत हैवी निवेश आपको इस कंपनी में नहीं करना है, जो कि मेरा एडवाइस है। आपको क्या लगता है चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।